ये कार्यक्रम जो है सिटी कॉन्वेंट स्कूल कासन की ढाणी, इसमें ये करीब 10 वर्ष से चल रहा है। तो इसका जो है वार्षिक उत्सव के रूप में आज का जो कार्यक्रम जो है मनाया गया, उसको मैंने जो अच्छी तरह से बच्चों को जो है पूरे वर्ष में हमें कैसे कैसे क्या करना है और क्या आगे करेंगे और क्या किया है, वो सारा के सारी जो है वार्षिक रिपोर्ट भी अभी जैसे सुनाई है। बात है बच्चों जो परफॉर्मेंस थी वार्षिक उसमें, बच्चों परफॉर्मेंस को देखकर क्या कहना, किस प्रकार के परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया? छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो है इनको जितने भी हमारे जो अध्यापक गणों ने जो है इनको तालीम दी है, ये ज़्यादा दिन का जो है तैयारी नहीं है, ये 10 दिन का मात्र तैयारी है। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, लेकिन जो है एक्टिविटी में जब वो भाग लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी को करते हैं, तो अभी ये लगता तब उनसे बड़ा जो है हमें लगाव हो जाता है। और जब कोई परीक्षा लेते हैं, जब उनमें जो है किसी तरह से जो है वो कम मार्क्स लाते हैं, तो बड़ा उनसे ये लगता है जो बच्चा बड़ा उदंडनीय पढ़ता ही नहीं, और जब किसी एक्टिविटी में उनका जब वो कार्यक्रम में रखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा करते, तो बड़ा उससे लगाव हो जाता है। बातों में ये इससे ये पता चलता है कि बातों में जो पढ़ने में होता है नहीं होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दिमाग जो है अच्छे कार्यों में भी संलग्न होता है और वो अच्छे कार्यों को करके दिखा सकता है, देश को विकास के नगर ले। लेकिन आजकल के बच्चे ज्यादातर फोन में ही बिजी रहते हैं, तो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप, कैसे बच्चों को फोन से दूर रखें? मैं माता पिता से अक्सर यही आग्रह करता रहता हूँ और उनको सूचनाएं भी देता रहता हूँ कि बच्चों को अक्सर जो है मोबाइल से दूर रखें, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के आधार पर लोग होते भाई इनका होमवर्क क्लास वर्क जो है अभी जैसे कोरोना था उसमें कहीं नहीं हुई थी, ऑनलाइन क्लासें थी, तो उनमें कभी उनको फोन दे दीजिए फोन दे दीजिए फोन से करेंगे। फिर भी माता पिता से मैं यही कहता रहता हूँ कि बच्चा जब जितनी देर तक स्कूल का होमवर्क या फिर मैथ का कोई कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश का है या कोई व्याकरण ग्रामर का है, उतने समय तक बच्चे को जो है मोबाइल दे सकते हो। और उसमें ये देखना है माता पिता को कि ये अपना होमवर्क या जो स्कूल का कार्य वो कर रहा है कि और अन्य तरह के वीडियो या अन्य तरह के अश्लील वगैरह ये कुछ देखता है। इसलिए आ रहे हैं, मैं सिटी कॉन्वेंट स्कूल राजू कॉलोनी से यहाँ आया हूँ। सर एग्जाम भी नजदीक है बच्चों के और न्यू एडमिशन है, तो क्या कहेंगे आप? एग्जाम के लिए हम लगभग हमारा सिलेबस जनवरी मास में ही पूरा हो गया था, हमारा पूरा जनवरी फरवरी डिवीजन का कार्य चल रहा था, प्लस ये एनुअल कार्यक्रम हम लोगों ने बच्चों के इसलिए कराया क्योंकि इससे पूरे साल भर हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमने क्या क्या एक्टिविटी अपने विद्यालय में बच्चों के द्वारा कराया है। बाकी न्यू एडमिशन के लिए अभी 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे यहाँ फ्री एडमिशन रखा गया है बच्चों को। हम कंचन है, आज आप सिटी कॉन्वेंट स्कूल में आई हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम क्या बच्चों ने? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? LKG में। कैसा रिस्पॉन्स है स्कूल की तरफ से टीचर? बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत सीख गया है कुछ यहाँ पे पढ़ा के, बहुत अच्छा मुझे लगा। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है? सही लग रहा है, बिल्कुल ओके है, अच्छा भी है, सब सही है। हमारे बच्चे सिक्स में पढ़ता है, टू में पढ़ता है। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? कब से पढ़ रहे हैं? शुरू से ही। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।